तो आ गए हैं हम लोग विशाल मेगा मार्ट में। तो विशाल मेगा मार्ट से अपन ने इतना ही सामान लिया और बाकी के जो सामान आपको लेने हैं मैं आपको घर जाके भी बताऊंगा। और सी सिकनेस टैबलेट है, जैसे कि अभी हम लोग कभी बस में ट्रैवल करते हैं या गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो बहुत से लोगों को उल्टी होती है जब वो बस में ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे ही शिप जब रफ सी में होता है, रफ वेदर होता है और शिप हिल रही होती है तो बहुत से लोगों को। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, जय श्री राम। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी जॉइनिंग आ चुकी है, मेरी जॉइनिंग 25 फरवरी की है और आज 20 तारीख है। तो 23 को मेरी फ्लाइट है और पीछे रियांश भी आ चुका है। बोलो रियांश, हाय। हाय दोस्तों, मैं हूँ रियांश। तो रियांश भी आ चुका है, वैसे मेरी फैमिली आ चुकी थी बहुत दिन पहले ही, शायद मैंने आपको बताया नहीं, पता नहीं, सब लोग आ चुके हैं। तो आज मैं अपनी शॉपिंग करूँगा, शिप पे जा रहा हूँ। 23 तारीख को मेरी फ़्लाइट है यहाँ से, गोवा से, गोवा से मुंबई, मुंबई से दोहा, दोहा से न्यूयॉर्क। तो 23 तारीख को निकलूँगा, काफ़ी कम दिन बचे हैं, 2-3 दिन बचे हैं। तो मैं आज अपनी शॉपिंग करूँगा। ओ रियांश, ओ बोलो। हाँ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, ठीक है आ जाओ। रियांश को भी आना है मेरे साथ। तो रियांश पढ़ाई कर रहा है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि हाँ, मुझे शॉपिंग करनी है और क्या क्या सामान लेके जाना है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम शिप पे ज्वाइन होने वाला है तो उन्हें ठीक से पता नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं पूरी चीज़ बताऊंगा कि आपको शिप पे जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है और कुछ चीज़ें रेयरली आपको चाहिए तो लेके जाओ, नहीं तो नहीं लेके जाओ। तो मैं जाऊँगा, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, नहा के तैयार होके आपको मिलता हूँ और आज हम करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो शिप पे ज्वाइन होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ओके रियांश, ओके आपका पता चल गया, तो उनके लिए होने वाला है। तो चलो नहा के मिलते हैं आपको। तो चलो मैं तो रेडी हो गया हूँ और निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए। मैंने बैग भी ले लिया, तो पूरा सामान लेने वाला हूँ, पूरा मतलब कि 80-85% तो मैं शॉपिंग आज ही कम्प्लीट करना चाहता हूँ, क्योंकि हो जाए तो अच्छा ही है। और मैं विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग करूँगा, वहीं से मैं शॉपिंग करता हूँ। तो आइए चलते हैं। तो आ गए हैं हम लोग विशाल मेगा मार्ट में, तो चलते हैं अंदर। तो ये ले लिया अपने ट्रॉली, और ट्रॉली में सबसे पहले हेलमेट रखा हुआ है, हेलमेट अंदर लेके जाना है इसलिए। तो मैं टाइम विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि विशाल मेगा मार्ट में सारा सामान मिल जाता है जो जो मुझे चाहिए होता है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि क्रूज शिप पर ज्वाइन हो रहे हो, विशाल मेगा मार्ट एवरी ऑल इंडिया में हर जगह पर है, आप वहाँ पर शॉप कर सकते हो, ईजी है, कन्वीनियंट है और प्राइस में भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्रश, और इसमें 4 ब्रश हैं सेट, 120 का पड़ रहा है तो अच्छा है, वैसे 3 महीने में एक बार ब्रश चेंज करनी है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो कि 6 महीने का या 7 महीने का होने वाला है, तो उस हिसाब से मान के चलो मुझे 2 या 3 ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, 4 ले लिए, एक घर पर रख दूँगा, 3 लेके चला जाऊँगा। तो अभी मैं शैम्पू वाले सेक्शन में आ चुका हूँ, तो शैम्पू भी ज़रूरी है और ये वाला ले रहा हूँ मैं, इतना काफ़ी है मेरे लिए क्योंकि रेगुलर वॉश नहीं करता हूँ, 2x in a week वॉश करना है, 205 का है। और इसे ये देखिए, मैंने सोप ले लिया है, मैं सोप की ज़रूरत नहीं क्योंकि एवरी वीक वहाँ पे सोप मिलता है, लेकिन मैं एक सेट लेके जा रहा हूँ कि बाई चांस अगर मैं कभी नहीं ले पाया तो काम आएगा। और ये मैंने टूथपेस्ट ले लिया है और इस बार मैं डाबर रेड वाला ये वाला लेके जाने वाला हूँ, तो उसमें एक 200 ग्राम का पेस्ट है, एक 100 ग्राम का पेस्ट है, प्लस इसमें एक फ्री टूथब्रश है और इसका प्राइस कुछ 200 रुपये का है, तो अच्छा है, कन्वीनियंट, और मेरे लिए जो 6-7 महीने के लिए जो ये क्वांटिटी हो जाएगी। और भी ले रहा हूँ सामान, हाँ ये देखिए, ये एक मैंने ले लिया है शेविंग फोम, वैसे मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ बियर्ड सेट करने के लिए यूज़ करता हूँ, तो इतना लेके जा रहा हूँ। तो रेगुलर जो शेव करते हैं वो बड़ा वाला पैक लेके जा सकते हैं, 8 महीने के लिए चल जाएगा। अब देखिए खाने के सेक्शन में घुस चुका हूँ, तो कुछ खाने का सामान भी लेके जाना है मुझे, लाइक नमकीन वगैरह, तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं हम यहाँ से। तो ये देखिए मैं नमकीन ले रहा था और यहाँ पे लिखा है 159, जो फर्स्ट क्रॉप नमकीन है 1 kg, उसका प्राइस 350 है, आपको 159 में मिलेगा। और बिकानो नमकीन 1 kg जो कि 272 की है, उसमें आपको 70 रुपये ऑफ मिलेंगे, तो बेटर यही लग रहा है 1 किलो की लेने में। और जैसे कि मैंने 2 चॉइस भी कर लिया, ये फर्स्ट कॉप वाली तो मेरे को 159 में पड़ जाएगी आलू भुजिया 1 किलो की, क्योंकि 350 प्राइस है, और ये वाला तो ले रहा हूँ, तो ये और ये 2 ले लेता हूँ, रेट में कम पड़ेगी। तो विशाल मेगा मार्ट से अपन ने इतना ही सामान लिया
और बाकी के जो सामान आपको लेने हैं मैं आपको घर जाके भी बताऊंगा। और नमकीन का पैकेट मैंने एक पैकेट एक्स्ट्रा ले लिया कि मेरा दोस्त है वहाँ पे, तो उसने मुझसे मंगाया था तो उसके भी लिए ले लिया। तो अभी चाहते हैं बिलिंग कराते हैं और बस इतना ही सामान है और घर जाके मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। लेकिन और भी सामान अपन खरीदना है वो भी बताऊँ। विशाल मेगा मार्ट से अपनी शॉपिंग हो गई और यहाँ पर मेरा बिल आया 1285 रुपीज़। लेकिन अपनी कम्प्लीट शॉपिंग नहीं हुई है, मुझे और भी कुछ सामान खरीदना है, जैसे कि खाने पीने का मैजिक मसाला और शेजवान चटनी। ये वहाँ पे खाना थोड़ा सा स्पाइसी नहीं होता है और वो नहीं होता, तो इसलिए यहाँ से लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे तो नहीं मिला, लेकिन और कहीं पे है जैसे होलसेल, वहाँ पे जाऊँगा ये सामान खरीदने के लिए। और प्लस मुझे मेडिसिंस भी लेनी है, मेडिसिंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है शिप पे लेके जाने के लिए। ऐसा नहीं कि शिप पे मेडिकल है नहीं, मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन आप यहाँ से अपने नॉर्मल जो बुखार सर दर्द खांसी जुकाम की दवाई यहाँ से ही लेके जा सकते हो। तो मैं अभी वो भी दवाई भी लूँगा। तो जैसे कि मेरा टारगेट है जितना हो सकता है पूरी शॉपिंग आज ही मुझे कंप्लीट करनी है, डिले नहीं करना है। और फिर लास्ट में जैसे घर पे जाके मैं सारा सामान आपको एक बार और दिखाऊंगा, और जो सामान मैंने नहीं ख़रीदा या मुझे ज़रूरत नहीं आएगा लेकिन आपको ज़रूरत पड़ सकता है वो सामान की भी मैं आपको कहूँगा। तो डोंट वरी, लगे रहो, आगे भी बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा। तो फिर मैं विशाल मेगा मार्ट के बाद जैसे मैंने कहा था होलसेल गया था, वहाँ से जो सामान खरीदा वो ख़रीद लिया। और मेडिकल गया था, लेकिन मेडिकल में मेडिकल वाली जहाँ से मैं ख़रीदता हूँ वहाँ पे दुकान बंद थी। आज की मेरी शॉपिंग में ये सामान जो मैंने ख़रीदा है, जैसे 3 पैकेट्स नमकीन के हैं, 1-1 किलो के हैं, तो ये स्नैक्स चाहिए होता है। और एडिशनल भी आप ले सकते हो जैसे कि बिस्किट्स वगैरह जो भी लेने हैं। और ये मैं जैसे कि मैजिक मसाला है और शेजवान चटनी है इसमें, तो ये बेसिकली खाने के साथ के लिए रखा है मैंने। और जैसे कि वहाँ पे क्या है, थोड़ा स्पाइसी नहीं होता है खाना, तो सूप वगैरह होता है तो उसमें मैजिक मसाला डाल के आप थोड़ा सा टेस्ट ला सकते हो। और शेजवान चटनी भी डाल सकते हो सूप वगैरह में राइस से, तो खा सकते हो। तो और भी काफ़ी चीज़ें ले सकते हो आप, जैसे कि पिकल्स हो गए और भी चीज़ें हैं, मैं बताऊँगा आपको। ये मेरा जो सामान है वो एक नॉर्मल सामान है, जैसे कि हर किसी को रोज़मर्रा की डेली रूटीन में चाहिए होता है। तो मैंने ये जो सारा सामान जो लिया है एज़ कम्पेयर टू मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लिया है, जैसे कि 6-7 महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। ये मैंने जैसे बॉडी स्प्रे लिया है, मेरे पास वैसे एक परफ्यूम भी पड़ा है, तो वो भी लेके जाऊंगा तो चल जाएगा, क्योंकि वो ये इसकी तो रोज़ ज़रूरत होगी। और बाकी के सामान जैसे कि मुझे हो जाएंगे जिस हिसाब से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको बताऊँ कि इस लेवल में ही मैं सामान लेता हूँ, जैसे कि इसमें 2 टूथपेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिसिन मैं नहीं ले पाया था क्योंकि शॉप बंद थी जहाँ से मैं लेता हूँ। तो अभी मैं शाम को जाके लूँगा। और मेडिसिन आपको क्या क्या लेके जानी है वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल मेडिसिन लेनी है, जैसे कि सर दर्द, बुखार, खांसी, जुकाम, इनकी टैबलेट्स आपको लेनी है। ज़्यादा नहीं तो 10-10 जो टैबलेट आती है ना, 1-1 स्ट्रिप आता है ना 10-10 टैबलेट का, उस हिसाब से लेना है, क्योंकि रेगुलर कभी हमारी बॉडी में बुखार ये दर्द वगैरह होता ही रहता है। एक पेन किलर्स भी ले सकते हो आप, और लेना चाहिए पेन किलर्स भी ले लो, 10 टैबलेट्स उसकी भी ले लो 1 स्ट्रिप। और उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट टैबलेट है जो कि सी सिकनेस टैबलेट है। जैसे कि अभी हम लोग कभी बस में ट्रैवल करते हैं या गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो बहुत से लोगों को उल्टी होती है जब वो बस में ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे ही शिप जब रफ सी में होता है, रफ वेदर होता है और शिप हिल रही होती है, तो बहुत से लोगों को उल्टी और चकराने लगता है। तो उनके लिए सी सिकनेस टैबलेट होता है, जैसे वो टैबलेट ले लो तो आपको जो भी है वो कंट्रोल में रहेगा। तो सी सिकनेस टैबलेट फर्स्ट टाइम ज्वाइनर्स तो भाई लेकर ही जाओ, ये टैबलेट है। बाकी टैबलेट जैसे कि कैल्शियम की हो गई, विटामिन की हो गई, मिनरल्स की हो गई, वैसे भी टैबलेट्स ले सकते हो आप। अच्छा रहेगा कि आप एक चमनप्राश का भी जो डब्बा है वो लेके जा सकते हो। तो ये चीज़ें, और बाकी की जैसे कि आपको कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम जो भी है, इनडाइजेशन की या जो भी है, उन चीज़ों की नॉर्मल टैबलेट्स आप कैरी करके जाओ क्योंकि अच्छा होता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बीमार थोड़े बहुत तो हो ही जाता है, तो आपकी टैबलेट्स होंगी, रिलैक्स मिलेगा। और बाकी का सामान जैसे कि हमने जो रोज़मर्रा का सामान लिया था, जैसे कि कोलगेट ब्रश, उसमें आप एडिशन इसमें कर सकते हो, एक सन क्रीम एडिशन कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल बॉडी लोशन वगैरह ऐसी क्रीम जो आती है वो लेना है, क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है तो हाथ पैर हाँ जैसे फटते हैं तो ज़रूरत होती है। उसके बाद में जैसे कि आप, और मैंने इसमें तेल नहीं लिया था, ऑयल नहीं लिया है, ऑयल आपको लेना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी घर पर पड़ा है, जैसे कि कोकोनट ऑयल पड़ा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं बता रहा हूँ वो है कि आपको लगेज भी लेना है। हाँ, लगेज आपको लेना है, जैसे कि शिप पे 40 kg आप लेके जा सकते हो, सीमेन के लिए अलाव होता है, लेकिन 40 kg आपको 2 लगेज में करना होगा, जैसे कि 20 kg 20 kg ईच। अगर आपके पास एक ही लगेज है तो आप उसमें
30 केजी तक सामान भर सकते हो, तो ये चीज़ आप याद रखना। और फॉर अ बेटर इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर जो आपका टिकट होता है ना, टिकट के नीचे एक लिंक दी जाती है, उस लिंक पे आप क्लिक करना, तो लिंक पे आपका पूरा सिस्टम आ जाता है कि कितना वेट आप कैरी कर सकते हो, कितनी केजीज लेके जा सकते हो। तो मैं अपना शेयर करूँगा, मैं लिंक पे क्लिक करके अपना शेयर कर दूँगा, तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्क्रीन पे देख लो आप। और फिर खाने की तो आपके ऊपर है, आपको कितना कुछ सामान लेके जाना है, नमकीन, बिस्किट, बहुत से आइटम्स जो भी आपको चाहिए, जैसे चकली हो गया, मैं लेने वाला हूँ, थोड़े आइटम्स मैं आज नहीं ले पाया, बाद में लूँगा, चकली हो गया, और बहुत सारे आइटम्स है जो कि मंचिंग के लिए सही है वहाँ पे भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से लेके जाओ तो सही रहेगा। मैगी नूडल्स भी आप लेके सकते हो, क्योंकि जो भी फूड है वो आप पैक्ड फूड लेके जा सकते हो, अनपैक्ड ओपन फूड नहीं लेके जा सकते, तो जो भी पैक्ड फूड आप कैरी कर सकते हो, जैसे कि पिकल जैसे कि अचार का डब्बा, अचार के पैकेट्स जो भी हैं वो भी आप कैरी कर सकते हो, मिर्ची वगैरह भी लेके जा सकते हो, जैसे स्पाइस पाउडर्स भी, चिली पाउडर्स भी, ये चीज़ भी लेके जा सकते हो, पैक्ड होना चाहिए। और जैसे जो गैली में काम करता है तो वो तो मसाले लेके जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुकिंग करने का मौका मिलता है, तो घर से मसाले लेके जाएंगे तो उनसे वो अच्छे से अपना टेस्टी खाना बना सकते हो। और हम जैसे बंदे लेके जाए तो हम भी किसी कुक्स को दे सकते हैं कि खाना वो बना रहा है, तो वो अरेंजमेंट हो जाएगा, तो कुछ वेस्ट नहीं होता है। तो पैक्ड फूड कोई भी आप कैरी कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी लेके जा सकते हो, बादाम, काजू, जो भी है सब पैक्ड जो भी है वो आप कैरी कर सकते हो। और जो भी सामान आप कैरी कर रहे हो तो सोच के कैरी करो कि आप का कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का है, तो उस हिसाब से आप सामान लेके जाओ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका सामान ख़त्म हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगी या आप ख़रीद नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे भी शिप पे भी एक क्रू शॉप होता है, जहाँ पे क्रू का ये जो बेसिक सामान जैसे कि टूथपेस्ट, ब्रश, सन क्रीम, वैसलीन, जो भी ये नॉर्मल चीज़ें हैं ना, वहाँ पे मिलती है, एक बार ख़त्म हो जाए तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। प्लस आप जब शिप पोर्ट पे रुकते हो तो बाहर जाके भी ख़रीद सकते हो, लेकिन प्राइस में थोड़ी सी चेंजेस होगी, क्योंकि वहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। अब आपकी चॉइस है, आप घर से ही इतना सामान लेके जाओ कि भाई मेरे 8 महीने, 9 महीने या 7 महीने, जितने भी महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तब तक आ जाए, या फिर ख़त्म होता है बीच में तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो अब आपको मैं और एक बात बताऊँ कि कपड़े, मतलब कितनी जोड़ी कपड़े लेके जाना है, कितना सामान कपड़े का लेके जाना है। तो मैं आपको बताऊँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वो है सॉक्स और अंडरवेयर। ये आप कम से कम 6-6 पैर्स लेके जाइए, क्योंकि सॉक्स क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पे सेफ्टी शूज़ पहनना होता है, और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कैबिन में होते हैं तभी आप बिगर शूज़ के रहोगे, अदरवाइज जब कैबिन से बाहर निकलते हो यू हैव टू बी इन शूज़, तो सॉक्स तो आपको पहने ही पहनने होते हैं। तो इसीलिए सॉक्स अच्छी क्वालिटी के, ब्रांडेड क्वालिटी के, जो जल्दी फटे ना, क्योंकि वहाँ पे जब सेफ्टी शूज़ पहनते हैं तो हम लोग ज़्यादा वॉक करते हैं, और वो सेफ्टी शूज़ के कारण वो सॉक्स जो है फट जाते हैं, पीछे से फट जाते हैं। तो इससे बेटर होगा कि आप इतनी क्वांटिटी में सॉक्स लेके जाओ, एवरीडे चेंज करो, जैसे कि 7 दिन है हफ्ते में, तो मैं तो वैसे लेके जाता हूँ काफ़ी, 10 पैर्स लेके जाता हूँ, 6-7 जोड़ी निकालता हूँ, 2-3 पैर्स स्पेयर के लिए रखता हूँ, जैसे कोई ख़राब हो जाए तो यूज़ करूँगा। तो इस हिसाब से आप भी लेके जाओ, जैसे 7 पैर लेके जाओ, एवरीडे चेंज करोगे, एवरीडे वॉश करना है, और कुछ 1-2 पैर्स आप स्पेयर में भी रख सकते हो कि ख़राब हो जाए तब उनको यूज़ कर लो। और फिर जैसे टी शर्ट्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा ले सकते हो, टी शर्ट्स और जैसे नए कपड़े जैसे कि जीन्स वगैरह जो भी है वो तो आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हो और आपका ऐसा थिंकिंग है कि एवरीडे मैं बाहर जा रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू हैव अ न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े चाहिए मुझे। और इसमें प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे ठंड ज़्यादा है या गर्मी है। अगर ठंड ज़्यादा है तो नॉर्मल है, ठंड के कपड़े ज़्यादा लेके जाओ, जैसे जैकेट, ग्लव्स और कान का जो टोपा आता है वो, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लाओ। अभी मेरी ज्वाइनिंग न्यूयॉर्क में है तो मुझे सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ठंड है वहाँ पे, तो मोटी वाली जैकेट, ग्लव्स, ये सब मुझे लेके जाना होगा। तो उस हिसाब से लेके जाओ, क्योंकि यूरोप में भी जैसे कि मान के चलो एक ठंडी का सीज़न रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और एक सीज़न आता है जैसे जहाँ पे गर्मी मतलब नॉर्मल गर्मी का टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे कुछ ठंड के कपड़े काम नहीं आते। तो आप अपनी आइटनरी चेक कर लेना जहाँ पे भी आपको ज्वाइनिंग मिलती है, तो उस हिसाब से कपड़े अपने प्लान करना। और आपके ऊपर है कि आपको कितने कपड़े लेके जाने के, कोई कोई होता है ना कि मैं एवरीडे एक नई नई कंट्री में जा रहा हूँ, नए नए पोर्ट में जा रहा हूँ, तो मुझे नए नए कपड़े चाहिए, मतलब अलग अलग कपड़े पहनने हैं, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान करो। मेन थिंग्स ये है कि आपके जो बेसिक थिंग्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया सॉक्स हो गए, अंडरवेयर हो गए, और फिर जो नॉर्मल सामान जैसे कि मैंने आपको बताया
जैसे कि शेविंग फोम, ब्रश, ये ज़्यादा सामान आप सब, ये इम्पोर्टेंट सामान है वो लेके जाइए। और प्लस खाने का भी एक इम्पोर्टेंट में ही आता है, कुछ स्वीट्स वगैरह भी लेके जा सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गया, देखो हाँ, सोन पापड़ी का जो पैकेट आता है वो पैक्ड फूड होता है, इजीली कैरी कर सकते हो, तो वैसे कुछ सामान लेके जाओ, स्वीट्स हो जाएगा। और भी कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताता रहूँगा, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, तो मैंने अपनी कोशिश में, मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, क्या क्या सामान कैरी करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि मतलब आपके ऊपर है, आपको लेना है नहीं लेना है आपके ऊपर है, तो उस हिसाब से आपकी प्लानिंग करिए। और हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है, जैसे कि कुछ पूछना है, तो कमेंट्स में बेझिझक पूछिए, DM भी कर सकते हो इंस्टा पे, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर लो, जो भी नए हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज को भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम पेज पे आप डायरेक्ट DM मैसेज करो मुझे, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा, जितना हो सकता है उतना हेल्प करूँगा। और प्रिंसेस क्रूज़ के लिए जो मैंने ज्वाइनिंग डाली थी, और उसका इंटरव्यू कल से था 19 से, और मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स गए हैं और उनका सिलेक्शन भी हो गया है, तो गुड लक फॉर दोज गाइस जिनका सिलेक्शन हो चुका है, कि आगे भी आपका काम अच्छे से होगा। और कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी जाने की तैयारी में लगा हूँ, और कुछ भी सामान है वो मैं अभी और ख़रीदने वाला हूँ, जो भी है और कुछ भी है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो बस इतना ही, इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और पैकिंग शुरू करते हैं अपने जाने की, बस अपने कुछ दिन ही बचे हैं, तो थैंक यू। और एक और बात, हाँ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट हो चुके हैं, तो थैंक्स टू एवरी वन कि इस लेवल पे मुझे पहुंचाने के लिए, आपके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। बने रहिए इस चैनल के साथ, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन क्रूज शिप रिलेटेड में मिलेगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो प्रिंसेस में मेरी वीडियो देख के गए थे और उनका इंटरव्यू सेलेक्ट हो गए हैं वो, तो मुझे बहुत खुश हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और एक दिन बहुत अच्छा लगेगा, कभी मिलेंगे हम अगर कहीं पे दूसरी कंट्रीज़ में होंगे और आपकी और हमारी शिप साथ में होती है, तो वो भी एक अलग बात होगी। तो बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।